नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जहां एक तरफ देश भर में विजयादशमी की धूम है और लोग रावण के दहन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यहां के MG पॉलिटेक्निक कॉलेज में बन रहे रावण के इस्तेमाल में भारी तादाद में जरूरी किताबें इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बड़ी बात इसमें यह है कि ये किताबें पुरानी नहीं बल्कि इसी सत्र की हैं जो कि रावण के साथ जलकर खाक हो जाएंगी। वैसे तो इस मामले में SDM ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर मौजूदा सत्र के किताबों से रावण को बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्या बच्चों को इन किताबों की जरूरत नहीं है? क्या इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई का हक नहीं छीना जा रहा? ये एक अहम सवाल उठ रहा है। तो रावण का पुतला इसी सत्र के किताबों के साथ बनाया जा रहा है और सवाल यह है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ आखिर ये जो खिलवाड़ है वो क्यों किया जा रहा है, और ये इसी सत्र की किताबें हैं जिससे इस रावण के पुतले का निर्माण किया गया। हाथरस में किस तरह से मौजूदा सत्र की कीमती किताबों से रावण बनाने का काम हो रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा का एक बड़ा रोल होता है जिसके लिए सरकार करोड़ों का बजट भी खर्च करती है, लेकिन जब प्रशासन लापरवाही की नींद सो रहा हो तो सभी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जहाँ रावण के साथ साथ सरकारी किताबों को भी दहन करने की तैयारी हो रही है। सह समन्वयक BRC हाथरस। किसके द्वारा जांच करने आए हैं? मुझे तो SDM साहब और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके दोनों के निर्देश पर आया। क्या जांच में पाया आपने? यहाँ जांच में मैंने पाया 18, 19, 19, 20 और इंग्लिश मीडियम स्कूल की किताबें हैं और इसमें उर्दू की कॉपी भी है। तो जैसे कि सत्र 19-20 की किताबें बच्चों को बांटने के लिए NCERT की किताबें बेसिक शिक्षा पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ 19-20 की किताबों से पूरा रावण पटा पड़ा है। जी। तो क्या कार्रवाई बनती है आपके द्वारा? बिल्कुल कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से जांच होगी, लेकिन ये मैटर जो किताबों का जो ठेकेदार से बार बार पूछा गया, उन्होंने बताया कि अलीगढ़ का मैटर है, हमने मदार गेट से किताब खरीदी है, तो ये कार्रवाई हम तो अपनी रिपोर्ट जो है SDM साहब को हमको रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे जो भी हमने देखा। तो ये किताबें लगे होने के बावजूद ही क्या रावण का दहन होगा? ये विचारणीय प्रश्न है, शासन प्रशासन जाने, आप जाने नहीं, कहीं हम कोई निर्णय की इतनी हमारी वो नहीं है कि क्षमता के, हम जो सारे निर्णय कि हम पाबंदी लगा दें, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे पास क्या है बताओ? क्या आपको नहीं लगता रावण दहन के साथ बच्चों के भविष्य की भी होली चलेगी? यहाँ न्याय गलत है भाई, बच्चों की जो वो हैं किताबें जो बच्चे के लिए बड़ी गाढ़ी कमाई से बनाई जाती हैं, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी धन का भी तो दुरुपयोग है, सरकारी धन का दुरुपयोग। हाथरस में 2019 और 20 सत्र की सरकारी किताबों से दहन करने के लिए रावण बनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटने के लिए आई किताबों को रावण बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें हाथरस के MG पॉलिटेक्निक कॉलेज की हैं, जिसके मैदान में सरकारी किताबों से रावण तैयार किया जा रहा है, यानी आज रावण के साथ साथ इसी सत्र की हजारों किताबें भी जल जाएंगी। मुझे संज्ञान में आया तो हाथरस ब्लॉक के AVRC को मैंने मौके पर भेजा जांच के लिए, तो उन्होंने बताया जो रावण बना रहा था उससे बात हुई, तो उसने बताया कि ये उसने रद्दी में अलीगढ़ से खरीदी है, इसकी जांच की जा रही है, नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। रावण बनाने वाले कारीगर के मुताबिक ये किताबें अलीगढ़ जिले के मदार गेट से खरीद कर लाई गई। जब इस मामले में SDM सदर से पूछा गया तो उन्होंने जांच के आदेश देने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि सरकारी किताबों से रावण बनाकर क्या गरीबों के बच्चों से पढ़ाई का हक नहीं छीना जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, इस रिपोर्ट में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इन किताबों के साथ इस रावण का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन किताबों से आखिर रावण बनाने की जो स्थिति है वो क्यों बनी और इन किताबों से इस रावण को बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्या नौनिहालों के भविष्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ नहीं? यह अहम सवाल है, क्योंकि इन किताबों की आवश्यकता उन तमाम छात्रों को होती है जिनके पास कभी कभी ये किताबें नहीं भी पहुंचती, और अगर ऐसे में इन किताबों को प्रशासन
उन तमाम छात्रों तक मुहैया करवाता तो शायद इसका जो असर है वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब सवाल इसके साथ ये भी है कि आखिर इन किताबों से ही इस रावण का निर्माण क्यों हो रहा है, और इस पर प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन बयानों को भी आपने सुना है। सवाल इनके साथ बहुत सारे ये भी जुड़े हैं कि आखिर ये किताबें रद्दी के ढेर में पहुंची कैसे, इसी सत्र की ये किताबें हैं, और उसके बाद इन किताबों की खरीद होने के बाद जब ये रावण बनने लगा तब जांच अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद जांच करके कार्रवाई की बात कही जा रही है। शिक्षा के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, ये उसकी जीतती जागती तस्वीरें हैं। तो चलिए अब इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। डीपी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिवशरण प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत शिवशरण प्रसाद जी आपका भी, और मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश जी आपसे शुरुआत करते हैं, इस रिपोर्ट को भी आपने देखा और सवाल यह है कि आखिर इन किताबों से जब ये रावण बना है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन किताबों से इस रावण को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर हरीश जी। हरीश जी आपके जो आपका जो आज डिबेट का विषय है जो मेरी जानकारी में आया तो मैंने वहां के अधिकारियों से जिलाधिकारी से इसके बारे में पूरी इसके संदर्भ में जानकारी मैंने किया और जानकारी में जो जांच बात सामने आई जो तथ्य सामने आए उससे लगता है कि जो आपका रिपोर्टर है हाथरस ने जिसने जिस तरह की सूचना दी आपको उसने बिना चीजों को गहराई से तहकीकात किए हुए एक भ्रामक जानकारी दी है। वास्तविकता यह है कि जो जिस कबाड़ी ने ये इसको बनाया वो अलीगढ़ से कबाड़ खरीद के लाया था और ये जैसे जिस तरह से जब किसी पुस्तक का प्रकाशन होता है तो उसके प्रकाशन में बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो खराब होता है, अनबाइंड जिस तरह से उसके पन्ने आप देखें अगर आप उसको देखेंगे तो अखबार की शक्ल में वो जो प्रिंटिंग होती है तो जैसे एक कई पेज एक उस पे प्रिंट हुए होते हैं तो जो खराब हो जाते हैं उनको कबाड़ियों को वो लोग बेच देते हैं जो प्रिंटर होते हैं। मुझे इस तरह का कोई मसला लगता है क्योंकि ये न तो हाथरस का विषय, हाथरस में जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि सभी बच्चों को पुस्तकें वितरित कर दी गई हैं और कबाड़ी ने हाथरस से उसने उनको लिखित दिया है तो ये मामला कुछ इस तरह का लगता है और इसको बिना पूरी बात की जानकारी किए मुझे लगता है कि आपके जो वहां के संवाददाता हैं उन्होंने इस विषय को इसको मुद्दा बनाया जबकि ये इसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक है हरीश जी आप ये बात कह रहे हैं लेकिन तमाम वहां पर मीडिया मौजूद था और इसके अंदर कुछ तथ्य हैं तभी जांच करने के लिए लोग पहुंचे भी थे। ठीक है उस पर भी मैं और सवाल आपसे करूंगा लेकिन इन सब के बीच डीपी यादव जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी जो बात कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, हरीश जी देखिए ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली, मैंने आपको इसीलिए पूरा समय दिया लेकिन एक सेकंड आप जरा सुने। ठीक है डीपी यादव जी कैसे देख रहे हैं इसको आप? चलिए डीपी यादव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज मिश्रा जी एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि देखिए ये जो जानकारी है ये अधूरी है लेकिन उसमें सवाल ये भी है कि वहां पर जांच उसकी हो रही है और वहां पर जांच अधिकारी भी पहुंचे और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन किताबों से ये रावण बनाया क्यों गया है, ये सवाल है। मनोज मिश्रा जी इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? नहीं नहीं आयुष जी जैसे हरीश जी कह रहे हैं कि बहुत सारी बुक प्रिंटिंग में क्या होता है कि पेजेज या उसके करेक्शन में वो चूंकि ठीक से बाइंडिंग नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं कबाड़ी के हाथ पहुंच जाती है उसको बेच दिया जाता है। मैं इस बात से 1% इस बात उससे अगर सहमत हूं और मान भी लूं तो आयुष जी दूसरी बात क्या है ना कि दरअसल शिक्षा विभाग लगातार इन सब चीजों में समय से पुस्तकों का वितरण नहीं होना, समय से उनके ड्रेसेस का वितरण नहीं होना, ठंड निकल जाने के बाद स्वेटर की सप्लाई होती है मोजे जूते की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जो नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारी हैं बीएसए से लेके एबीए बीएसए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि पैसे का मैं फिर कहूंगा दरअसल कई बार देखा गया है कि जिन चीजों पर टेंडर होता है उसकी मिनिमम कॉस्ट सप्लाई होती है और किताबों से रावण का अच्छा भी नहीं चली एक साल पुरानी किताब होती मान लेते वो यूज की नहीं थी, करंट सत्र की बुकों का जो इसका मतलब वितरण उसका ठीक से नहीं हुआ, अब वितरण नहीं होने की वजह से वो किताबें मार्केट में बेची गई जिसका दुरुपयोग आज आपको देखने को मिला है।
लेकिन मनोज जी, इसको कैसे देखा जाए? उसमें यह भी कह दिया जाए कि देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए वो किताबें जरूरत की नहीं थी, इसलिए वो कबाड़ के पास चली गई और उसके बाद कबाड़ी से खरीद के उसका रावण बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भी कहकर के विषयों से बचा जा सकता है? नहीं नहीं, दरअसल देखिए ऐसा है ना कि अब इसका इसका एक तकनीकी पहलू आयुष जी कि अगर अगर वो किताबें सप्लाई में नहीं दी, चूंकि अब सबका क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड से अगर बुक ठेकेदार ने सप्लाई कर दी शिक्षा विभाग को तो उसका कहीं ना कहीं भुगतान हो गया, तो ये तो उस जिला में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए थे कि सप्लाई किस तरीके की बुक्स ले रहे हैं, वो बच्चों के इस्तेमाल में है या नहीं है। जो किताब की अगर बाइंडिंग गलत है, प्रिंटिंग गलत है और आपने उसको सप्लाई में लेके पेमेंट कर दिया और उसके बाद वो रद्दी खाने पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो भ्रष्टाचार है। हरीश जी, जवाब दें इसका। जी आयुष जी, देखिए पहली बात तो मिश्रा जी को ये मैं बताना चाहूंगा कि अनबाइंड पेपर्स हैं, पुस्तकें जो सप्लाई होती हैं वो बाइंड होकर के पुस्तकें सप्लाई होती है, पुस्तक की शेप में सप्लाई होती हैं। ये जो मशीन पे पेपर चढ़ता है जिसमें एक एक उस पे आठ आठ दस दस पेज या सोलह सोलह पेज छपते हैं, उस तरीके का वो पेपर है, तो वो न कटिंग हुआ है न बाइंड हुआ है, न वो किताब के शेप में आया है, वो तो रा उसी तरीके से जो प्रिंट जो प्रकाशक होता है, जो प्रिंटर होता है, उसके यहाँ से उसी तरह से कबाड़ी के यहाँ गया है। तो ये कहा जाना कि ये वितरण न होने के कारण हुआ होगा, अगर वो बाइंड हुई किताबें होती बाइंड तो ये माना जा सकता था कि इसमें कहीं न कहीं कोई घपला है, कहीं न कोई कोई गड़बड़ी है। लेकिन ये अनबाइंड पेपर, आप मुझे बताइए, समाचार पत्र रोज छपते हैं और समाचार पत्र जो पढ़ने के बाद आदमी उसको कबाड़ी के भेज देता है, या तमाम समाचार जो उनके समाचार पत्रों के कार्यालय में जो पेपर खराब उनकी छपाई कायदे से नहीं होती वो भी वो कबाड़ी को भेजते हैं। तो इस तरह की बातें कहना, मैंने इसीलिए कहा कि पूरी तथ्यों की जानकारी किए बिना इन बातों को प्रस्तुत किया गया है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है। अगर बाइंडिंग की कोई किताब मिली होती, वो अनबाइंडेड पेपर है, तो अब आखिर कोई भी प्रिंटर क्या करेगा? जो उसके यहाँ अनबाइंडेड पेपर होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनको वो कबाड़ को ही तो बेचते हैं, वो कहीं स्टॉक तो उसको लगाते नहीं ना, वो पढ़ने के काम आते हैं। अगर वो बाइंडेड वो अगर पुस्तक कहीं हाथरस से अलीगढ़ से कहीं भी वो अगर शिक्षा विभाग की गड़बड़ी नाते आया होता तो बाइंड की हुई किताबें होती, और पन्ना पन्ना रावण बनाने में नहीं लगता, वो तो पूरे पेपर के ताव लगते हैं जैसे अखबार के शकल के पेपर लगते हैं, वो उसी शकल के पेपर है, आप देख लीजिए आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला व्यक्ति समझ सकता है। आयुष जी, जरा मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है मनोज जी, जवाब दें। जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, दरअसल हरीश जी, मेरा प्रिंटिंग सेल, चूंकि मेरा पब्लिकेशन हाउस भी है तो मुझे बेहतर जानकारी है कि अखबार की प्रिंटिंग, बुक की प्रिंटिंग किस साइज में होती है और किस तरीके की रील उसमें चलती है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मेरा आरोप इस बात पर नहीं कि वो किताबें जो सप्लाई हुई होंगी वही किताबें बच्चों को देने के बजाय वहां पर फाड़ करके इस्तेमाल की गई। अगर वो पेपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये 578 कट के पेपर्स होते हैं जो वाकई में रील के रील होते हैं, अगर प्रकाशक के मिसयूज कर रहा है, जो जिसकी किताबें नहीं बन सकी वो अगर कहीं ना कहीं इसमें यूज हुआ तो इसको लेकर कोई कंप्लेंट की बात नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई हुई किताबें या सप्लाई हुई बुक्स जिसका भुगतान शिक्षा विभाग ने किया होगा या प्रदेश सरकार ने किया है, अगर उसका कहीं ना कहीं इस तरह दुरुपयोग हो रहा तो ये सोचने का विषय है। और इन अधिकारियों में मैं कहीं किसी आज एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल शिक्षा विभाग खाना वितरण से लेकर, बुक वितरण से लेकर, वस्त्र वितरण से लेकर के उनपे सवाल उठते रहे हैं और हम लोगों ने उसको आपके सामने हमेशा दर्शाने का काम किया है। ठीक है, डीपी यादव जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। सवाल हो तो हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है डीपी यादव जी, सवाल होंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, सरकार अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई करेगी। डीपी यादव जी, क्योंकि तथ्यगत नहीं है, वो आपको सामने से दिख रहा है कि जैसा वो पेपर मशीन पे चढ़ता उसी तरह का पेपर है, तो उसमें कोई तथ्य उस तरह के नहीं है जिस तरह का प्रस्तुत किया गया है। डीपी यादव जी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आयुष जी, बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक त्योहार है दशहरा है, और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो अधिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की बदहाली है जो उत्तर प्रदेश में, अभी आप देखिए जिस प्रकार से
पुलिस वालों ने झांसी में क्या नाम है एक बेगुनाह को मारने का काम किया है, इन सारी बुराइयों को मिटाने का काम करना चाहिए। तो नौनिहालों की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसको ही जलाने का काम कर रही है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर ये किताबें मान लीजिए चलिए ठीक है वहां पर पब्लिकेशन से आई है, तो क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि उसकी जांच कराए वहां पर? क्यों वहां पर उसके द्वारा इसको डिस्पोज कर दिया गया? उसका प्रॉपर चैनल होता है, उसकी नीलामी होती है, कहीं ना कहीं अगर एक कण भी इधर से उधर होता है सरकारी तो उसको पूरा अभिलेख में दर्ज होता है कहां से ये आया कहां गया। तो क्या उस कवाली के पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि वो कहां से ले आया किसके पास से ले आया? उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल बेलगाम हो गई है आज की डेट में, किसी प्रकार से कहीं से कुछ देखने लायक नहीं। अभी आप देखिए जिस प्रकार से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है शिक्षा को लेकर के, जिस प्रकार से स्कूली शिक्षा अंतिम पायदान पे खड़ी है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों का नतीजा है। उसमें ये अलग से कहीं नहीं आई है नीति आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, शिव शरण जी भी हमारे साथ मौजूद है, शिक्षाविद हैं। शिव शरण जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए शिक्षा विभाग में सरकारी प्राइमरी जो स्कूलों की व्यवस्थाएं उन पर बराबर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, बराबर उन पे कहीं ना कहीं आरोप बराबर लगते रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील खाने को लेकर के हो और चाहे पढ़ाई को लेकर के हो चाहे सफाई को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है। जब कोई बात उठती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होता है। इसका मतलब है जरूर कमियों को छुपाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। यदि ये रावण के उसमें जो किताबें के वो किताबों के पन्ने जो इसी सत्र के हैं वास्तव में यदि उसका पेमेंट सरकार द्वारा हो चुका है और उनको इसमें इस्तेमाल किया गया तो वास्तव में ये गंभीर प्रकरण है, इसकी जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश जी, अब जवाब दें आप इसका। देखिए आयुष जी, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये शिक्षा विभाग से हाथरस में या अलीगढ़ में कबाड़ से खरीदी गई होती, शिक्षा विभाग ने इसको कबाड़ में बेचा होता, तो ये सब मुद्दे बनते थे कि इस पर सरकार जांच करे। और फिर भी आप ये विषय लाए हैं तो जांच हुई ना तभी तो ये तथ्य सामने आए, बल्कि उस कबाड़ी ने जो उसको बना रहा है उसने लिखित वहां के जिला प्रशासन को दिया है कि वहां ये कबाड़ उसने अलीगढ़ से खरीदे थे। तो ये जो बात तो तब मैंने पहले ही कहा कि अगर कहीं कोई वास्तव में कोई तथ्यात्मक शिकायत थी तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि मीडिया माध्यमों के माध्यम से जो सरकार के कामों में कमी खामी जो रेखांकित होती है सरकार उसमें सुधार करने का प्रयास करती है और सिस्टम में जहां कहीं शिथिलता या कमी पाई जाती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। मीडिया माध्यमों के ही माध्यम से सरकार को अपने जो योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी खामी को जानने का अवसर मिलता है और उसको दुरुस्त भी करने का अवसर मिलता है। लेकिन चूंकि ये मामला अब आप किसी कबाड़ी को कबाड़ खरीदने पे तो रोक नहीं सकते, किसी प्रकाशक के पुस्तक प्रकाशक को अपनी प्रिंटिंग मशीन की कबाड़ को बेचने से रोक नहीं सकते, तो ये विषय जो है चूंकि इसलिए संदर्भ उस पर चर्चा का संदर्भ मैंने इसलिए तथ्यों को मैंने वहां के कलेक्टर से इसीलिए बात की कि जब हम आपके यहाँ इस विषय पे चर्चा के लिए आ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक पुख्ता जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और उन्होंने बल्कि व्हाट्सएप पे मुझे भेजा कि वो किस तरह का पेपर है जो उसमें लगा हुआ है और आप वो जो पुतला पड़ा हुआ है उस पर जो रैप किया गया है पेपर उससे भी आप देख करके अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जो किताब के पन्ने होते बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो इन सब कामों में नहीं प्रयुक्त होते। आप देखिए पन्नियां लगी है अखबार के पेपर, उस तरह के बड़े जो पेपर होते हैं वो उस पर लगते हैं। तो वो मैंने कहा कि वो अनबाइंड जो प्रिंटिंग मशीन पे चढ़ते हैं, जैसा कि मिश्रा साहब ने बताया उसका साइज भी उन्होंने बताया कि उस साइज के पेपर उस पे चढ़ते हैं और सभी मशीन वाले वो करते हैं कि भाई जो उनके मतलब का नहीं होता उसको कबाड़ को बेचते हैं, तो ये उसी तरह का पेपर है। और अगर फिर भी मैंने कहा कि जिलाधिकारी ने कहा कि हम उसकी पूरी और भी जांच गहराई से कराएंगे, लेकिन वास्तविकता मैंने उनसे ये भी पूछा था कि हाथरस में जो पुस्तकें बच्चों को वितरित होनी थी
उसमें तो कहीं किसी तरह की कमी खामी नहीं है। तो उन्होंने सीधा मना किया कि नहीं, ऐसा कहीं कोई कमी खामी नहीं पाई गई है, सारी पुस्तकें बच्चों को वितरित हो चुकी हैं। तो ये बच्चों की पुस्तकों का मसला नहीं है, ये उस प्रिंटर से जहां से ये किताबें प्रिंट हुई होंगी वहां उस प्रिंटर का जो कबाड़ था, जो रद्दी पेपर था, उसको उसने बेचा होगा और उसी को कबाड़ी ने उसमें लगाया है। मनोज मिश्रा जी, हरीश श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं नहीं आयुष जी, मैं इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि दरअसल प्रिंटिंग में क्या होता है कि एवरेज जो एक रील होती है वो 400 450 केजी की होती है, तो 10-12% रील रुक जाती है पहले ही प्रिंटिंग से। और दूसरी बात, कलर की प्रिंटिंग में 10-15% की रेगुलर में वो डेली वाइज अगर आप प्रिंट करते हैं तो उतनी रद्दी निकलती है। लेकिन कहने का ये कि बुक की प्रिंटिंग का जो काम होता है वो मोटा मोटा सत्र शुरुआत होने से पहले वो कहीं ना कहीं दे दिया जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसका एक प्रॉपर एक टेंडर से लेकर के छपाई से लेकर निर्धारित प्रिंटर्स हैं। तो ये इसका सही जवाब तो बेसिकली उस प्रकाशन जहां छपा हुआ होगा और जिसने रद्दी बेची होगी। हम लोग भी महीने दो महीने में एक विज्ञापन करके रद्दियां बिकवाते रहते हैं। और बड़े रोल छोटे रोल की जो बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि इतने बड़े पुतले में A4 साइज का पेपर जो कट किताब को होता है उसको निकाल के बनाना संभव नहीं है, ये तो बना हुआ रील से। अब उस रील के पीछे रीजन ये आयुष जी कि दरअसल छपने के बाद कटिंग होती है, तो जो वेस्टेज पेपर है कहीं के वही इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और इसका जवाब तो दरअसल मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि वहां का प्रकाशक और SDM और जो शिक्षा अधिकारी है वही दे पाएंगे कि ये बुक उससे वहां कैसे पहुंच गई। ठीक है, DP यादव जी, देखिए जो आप सवाल उठा रहे थे उसका जवाब दिया हरीश श्रीवास्तव जी ने कि आपको लग रहा है कि वाकई में चीजें इसी प्रकार से हैं। देखिए इसका प्रॉपर चैनल होता है कि किस प्रकार से किताबों को अगर बांटना है शिक्षकों और विद्यार्थियों को अगर देना है तो वो प्रॉपर चैनल के द्वारा उसकी टेंडरिंग होती है, किस प्रकाशक को देना है, किस पब्लिशर को देना है, वो कितनी किताबें देगा। तो ये कहीं ना कहीं जब उसमें हुआ है टेंडर तो ये प्रकाशक की जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा विभाग को सूचित करे कि हम हमारे पास इतना बचा हुआ है और हम इसको डिस्पोज आप करना चाहते हैं, हम इसको बेचना चाहते हैं। अभी मनोज मिश्रा जी ने बताया कि हम लोग भी 2-3 महीने के बाद बाकायदा उसकी टेंडरिंग निकालते हैं, उसको बताते हैं, सूचित करते हैं कि किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना है। तो क्या यह सूचित किया गया है कि नहीं सूचित किया गया है, ये भी गंभीर विषय है। आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार हम लोग शिक्षा विभाग के बदहालियों पर चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से छत टपक रही है और वहां पर छाते के नीचे विद्यार्थी पढ़ते हैं या नमक रोटी खिलाया जाता है किस प्रकार से विद्यार्थियों को, तो उस नमक रोटी खिलाने वाले पर जो रिकॉर्ड करता है वहां का पत्रकार उसी को भी बता दिया जाता है, उसको ही कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस घोटाले में जो ये घोटाला हो रहा है उसकी जांच करनी चाहिए। अगर डर के मारे वो कबाड़ी कुछ लीक करके दे रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये सारे संदर्भ में एक प्रॉपर जांच के द्वारा ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार की ये चूक है और इस प्रकार की घोर लापरवाही कहीं से भी न्याय संगत या उचित नहीं ठहराई जा सकती है। शिव शरण प्रसाद जी, आप तो एक शिक्षाविद हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये चीजें हैं कि या फिर वाकई में जो बात बार बार हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि दरअसल क्योंकि अब ये प्रिंटिंग का एक मसला है, इससे कोई लेना देना नहीं शिक्षा विभाग का, इससे कोई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं कोई पेच है, शायद इस वजह से भी ये जो स्थितियां बन रही हैं? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है, नहीं तो ये बात उठ करके सामने क्यों आती। और दिक्कत इस बात की है कि कोई भी प्रकरण जब उठता है या कोई आरोप लगता है किसी विभाग के कर्मचारी अधिकारी पे या किसी विभाग पे तो उसकी लीपापोती कर दी जाती है, उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। उसी का नतीजा होता है ये बार बार छोटी मोटी चीजें ये बराबर सामने समाज के सामने आती है। और ये तो कहिए कि आज ये इस तरह का युग है, ये इतना तकनीकी आगे हो चुकी है कि ये मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आम जन तक ये सूचनाएं मिल जाती है, नहीं तो पता नहीं क्या होता रहता, लोगों को पता नहीं चलता। और अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि अपनी वो कार्यशैली बदलना नहीं चाहते, वो अपने ढर्रे पे ही चलते रहते हैं। ठीक है हरीश जी, बिल्कुल आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि वाकई में अगर कहीं कोई दिक्कत है भी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी भारतीय जनता पार्टी होने के प्रवक्ता होने के नाते?
देखिए आयुष जी, बिल्कुल मैंने पहले कहा कि अगर कहीं कोई कमी खामी होगी तो सरकार एक भी सेकंड नहीं लगाएगी, जरा सा भी संकोच नहीं होगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन डीपी यादव जी और शिवशरण जी को चूंकि विरोध में ही बोलना है, तो वो देखिए ना तो ये टेंडर का विषय है ना पुस्तक का विषय है। अगर ये टेंडर का विषय होता या पुस्तक का विषय, वो पुस्तक का विषय नहीं है, पुस्तक तो वो बनी ही नहीं डीपी यादव जी। आपको समझना होगा, आपको पहले ये आपको ये पहले समझना होगा। अब अगर आपको सुनना नहीं तो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पुस्तक है ही नहीं, वो तो रॉ पेपर है। और अगर इतनी तो समझ सबको होनी चाहिए कि वो पुस्तक नहीं ना पुस्तक के पन्ने हैं, वो प्रिंटिंग है, पुस्तक नहीं। अगर समझ होती आपको, अगर आपको समझ होती तो आपको समझ होती, आपको समझ होती तो आपको समझ होती तो आप इस तरह से बोलते नहीं, आपको समझ होती तो आप इस तरह से बोलते नहीं। क्योंकि टेंडर टेंडर जो होता है वो पुस्तक देने का होता है, पुस्तक की संख्या होती है, उसको सप्लाई करने को होता है, रॉ पेपर प्रिंटिंग करने का सप्लाई नहीं करने का टेंडर नहीं होता। तो पहले तो अगर आप समझना चाहेंगे वास्तविकता तथ्य समझना चाहेंगे तब तो आपके समझ में आएगा, अन्यथा अन्यथा उसको तो प्रिंटर को जितनी पुस्तकें सप्लाई करनी होती है उसको सप्लाई करना होता, वो रॉ पेपर उससे नहीं मांगे जाते। तो ठीक है, तो आप ये समझिए। चलिए हाँ हरीश श्रीवास्तव, जब देखिए मेरे पास समय नहीं है आप लोगों की इन बातों के साथ, अब मुझे समाप्त करना होगा चर्चा को। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल अभी भी ये बरकरार है कि अगर यहां तक ये सारी चीजें आई हैं तो दरअसल इसका परिणाम क्या होगा। आज मेरे साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।